तुम लोग कहाँ आई हो? हम लोग आए हैं धान के खेत में, इसलिए भगवान चाहता है कि इन लोग को आज लंच कराया जाए। अभी तुम्हारा आ गया? कहाँ जा रहे हैं? घूमने। चश्मा में ये दोनों दिख रहे हैं ना आपको, इनके हैंड है। ओहो, घूमने जा रहे हैं ना, क्योंकि संडे इज फंडे ऑल्सो। पापा जी निकाल रहे हैं, मैं जा रही हूँ। गाइस, बीच रास्ते मस्ती करने के लिए हम लोग वाले जा रहे हैं। चार लोग, एक पैकेट स्नैक्स। अरे मम्मी नहीं खाएंगे ना? मम्मी तो जरूर नहीं। देखिए मम्मी गैराज का गेट बंद कर रही हैं। डेट। ओ पापा रेडी? एंड आई आल्सो हैव चश्मा। लेकिन ये लंच करना खुशी नहीं, मजबूरी है। उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको क्या मजबूरी है। क्या भी बता। शंकर भगवान की जय। गाइस देखिए पापा जी पैसे निकालने गए हैं। हाँ, ये हमारे हम लोग जा रहे हैं। नाम है कि बाहर हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग की ये मजबूरी है क्योंकि आज जो इंडक्शन था वो भी हमारा बिल्कुल खराब हो गया, और गैस भी नाश्ता करते टाइम ही खराब हो, फिनिश हो गई, खत्म हो गई। अब हमारे पास मजबूरी बस यही थी कि हमको बाहर खाना खाना पड़ रहा है। गर्मी भी बहुत है, मन तो नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत दिन से पापा से कह रहे थे ना कि बाहर खाना खिलाओ, लेकिन पापा क्या कह रहे थे? आज नहीं, गर्मी है, गर्मी है। अद्रिका, हम लोग को पापा ले नहीं जा रहे थे ना, हम लोगों को कह रहे थे एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए चल ले। पहले कह रहे थे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो दूसरे दिन पार्टी देंगे हम दोनों, सारा दिन तुम लोग सब कुछ खाती पीती रहे। और फिर चलो हम लोग एग्जाम खत्म कर लिए, फिर उसके बाद बोले कि फिर देंगे, नेक्स्ट टाइम देंगे, चलो अगला संडे, अगला संडे। ठीक है भाई, लेकिन आज वो दिन आ गया है कि और आते आइयो। इसीलिए यार साधिका, गाइस ये देखिए भोले बाबा का मंदिर, और कितना पेड़ों के बीच बना है, कितना सुंदर लग रहा है। आधिका बेचारी कुरकुरे खा नहीं पा रही है हाथों की वजह से। आज लंच में और आज लोग जो लंच करने आए उसमें हम लोग की बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि आज हमारे यहाँ गैस भी खत्म हो गई है, इंडक्शन था, इंडक्शन भी खत्म हो गया, इसलिए भगवान चाहता है कि इन लोग को आज लंच कराया जाए। पापा मजबूरियों के साथ गणेश पूजा जो इन्होंने करी है उसमें इन्होंने यही मांगा है कि भगवान मुझे बाहर लंच करवाए पापा। और कल ही विसर्जन हुआ है और आज मनोकामना पूरी हो गई। ये देखिए गाइस मेरा डोसा आ चुका है। लॉन्गेस्ट डोसा इन द वर्ल्ड। और इतना बड़ा डोसा, क्या टेस्ट अच्छा होगा खाते। बहुत अच्छा। हम हमेशा आप लोगों को। ये भी तुम्हारा आ गया? ये देखिए मोमोज के दीवाने। मोमोज के दीवाने, अलग ही बात है भाई। यहाँ पे पेस्ट्री लगाते हैं इसके ऊपर की, लोग इसे आइसक्रीम समझते हैं, पर खा के बड़े को हमसे पूछा। और ये मेरा डोसा आ गया। ये डेकोरेटिव क्यों है?
ये पहचान है इसकी। और क्या है अब ऑर्डर किया हम लोगों ने? तंदूरी चाय। दिखाना आदिका। पिएंगे नहीं, आदिका नहीं पिएगी, मम्मी पिएगी दोनों। बहुत गर्म है इन्हें। मम्मी पिएगी बस। तो तंदूरी की तरह वैसे भी हो तुम्हें क्या जरूरत है? तंदूरी पानी पिलाते तुम्हें। कह रहा था कि कल सुबह होते ही हम लोग नाश्ता बाहर करेंगे। अब पूरी लिस्ट थमा दी। आज तो नाश्ता तगड़ा होगा, वो भी मम्मी कहाँ बनाएगी? अपने किचन में। और उसी समय गाइस उसी ब्रेक मतलब उसी मिडिल पे ही गैस खत्म। नहीं पता, सब लोग खा चुके थे और जैसे ही पापा की बारी आई गैस खत्म। और दोस्तों हम लोगों ने यहाँ लंच अपना कंप्लीट कर लिया है और लंच कंप्लीट करने के बाद हम लोग सीधे जाएंगे घर। घर जाएंगे और वहाँ हम लोग को बनाना है एक चैलेंज। फिर बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई भी करना है। टीचर आएंगे ना तुम्हारे? यस टीचर आएंगे। और हमें लगा था कि टीचर मिस हो जाएंगे। टीचर मिस कर देंगे गाइस। हम लोगों ने बना लिया है संडे सराध्या संडे फुल मस्ती के साथ। और पापा को आप देख सकते हैं बिल कटने के बाद, पेमेंट के बाद पापा ऐसे थे और ऐसे हो गए थोड़ी देर बाद। अरे कितना 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 ये 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 आराध्या क्यों चैलेंज? लोग तंदूरी चाय को हुंडे में पीते हैं, आराध्या तो ग्लास में पी के आई। ये बड़े वाले स्टील वाले, ये है पेट्रोल पंप। इधर आ बेटा, पापा पीछे से गाड़ी निकाल। इधर आ मस्ती टाइम। देखिए बातचीत देखिए लोगों की किस तरह की, इतनी सारी ठीक है चलो जल्दी आओ अंदर फटाफट। आगे भाई छोटी रेडी चला जाए। तुम लोग कहाँ आई हो? हम लोग आए हैं धान के खेत में। ये देखिए धान की खेती, ये देखिए परीक्षा बाग। ये देखिए धान की खेती। हाँ धान की खेती आप देखिए, मतलब बस हमें लगता है कि कटने वाली होगी। हाँ ये बाली आ गई ना, बाली आ गई है। डुगु तूने पहले देखा है कभी? हैं पहली बार? पहली चावल बार। ले आओ पापा चावल ले आओ। चावल देखा ना, पता चला चावल बड़ी छोटी है। मजा आ रही है सबसे ज्यादा पापा। चावल ले आओ चावल ले आओ चावल ले आओ। मजा आ रही है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा ना। बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत ही प्यारा है।